हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, श्रद्धा आर्य एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल है। वह टेलीविजन धारावाहिक तुम्हारी पाखी में पाखी की भूमिका निभाने के लिए जानी जाती है। इन्होंने हिंदी, पंजाबी, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु और तमिल जैसी कई फिल्मों में भी अभिनय किया है। इसके अलावा वे कुछ रियलिटी शो में भी भाग ले चुकी है। दोस्त श्रद्धा ने कई टीवी सीरियल और विज्ञापनों में भी काम किया है। इसके अलावा वह गानों के म्यूजिक वीडियो में भी नजर आ चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ टीवी इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या के जीवन के बारे में। पर इससे पहले दोस्तों, अगर आप भी श्रद्धा आर्या के फैन हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, श्रद्धा आर्या का जन्म 17 अगस्त 1987 को नई दिल्ली में हुआ था। उनके परिवार में उनकी एक बहन भी है जिनका नाम दिव्या आर्य है। इसके अलावा उनका एक भाई भी है और उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा हंसराज मॉडल स्कूल नई दिल्ली से की है और उसके बाद उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड इकोनॉमिक्स में भाग लिया और मुंबई विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने 2004 में इंडियाज बेस्ट सिने स्टार्स की खोज के साथ टेलीविजन पर अपनी शुरुआत की। उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, साल 2006 में उन्होंने तमिल फिल्म कलवानीन कदली से एक अभिनेत्री के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में श्रद्धा आर्य के साथ एस जे सूर्य और नयनतारा मुख्य भूमिका में थे। यह फिल्म अभिनेता के रूप में सूर्य की पहली फिल्म थी जिसे उन्होंने खुद निर्देशित किया था। इसी के साथ साल 2007 में उन्होंने फिल्म निशब्द से बॉलीवुड में शुरुआत की। यह फिल्म राम गोपाल द्वारा निर्देशित की गई थी जिसमें श्रद्धा आर्य के साथ अमिताभ बच्चन और जिया खान ने अभिनय किया है। इस फिल्म की कहानी 1999 की अमेरिकी फिल्म अमेरिकन ब्यूटी से ली गई थी और इसी के साथ साल 2007 में ही उन्होंने फिल्म गोडावा के साथ एक अभिनेत्री के रूप में तेलुगु फिल्म की शुरुआत की। इस फिल्म को कोंडडा रामी द्वारा निर्देशित किया गया था। इस फिल्म में उनके बेटे वैभव रेड्डी और श्रद्धा आर्य मुख्य भूमिकाओं में सयाजी शिंदे के साथ सहायक भूमिका निभाई थी। यह फिल्म रेड्डी की पहली फिल्म और श्रद्धा आर्य की पहली तेलुगु फिल्म थी। साल 2010 में उन्होंने अपनी मलयालम फिल्म की शुरुआत फिल्म वंदे मातरम से की थी। इस फिल्म को टी अरविंद द्वारा निर्देशित किया गया था। इस फिल्म में अर्जुन, स्नेहा, श्रद्धा आर्य और राज कपूर मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म को एक साथ मलयालम और तमिल में बनाया और फिर रिलीज किया गया था और बाद में इसे तेलुगु में भी डब किया गया था। यह फिल्म विदेशों में 10 सितंबर 2010 को और बाद में भारत में 17 सितंबर 2010 को रिलीज की गई थी। साल 2011 में उन्होंने फिल्म डबल डेकर से कन्नड़ में शुरुआत की। यह फिल्म एक कन्नड़ कॉमेडी फिल्म थी जिसमें जग्गेश और श्रद्धा ने मुख्य भूमिका निभाई थी। यह फिल्म गोविंदा और रवीना टंडन की हिंदी फिल्म सैंडविच की रिमेक थी। 2018 में उन्होंने पंजाबी फिल्म बंजारा से अपनी शुरुआत की। इस फिल्म में बब्बू मान, राणा रणबीर, गुरप्रीत भंगू, जिया मुस्तफा और श्रद्धा आर्य है। साल 2004 की फिल्म बाज के बाद यह बब्बू मान की पहली फिल्म थी और इस फिल्म को ट्रक ड्राइवरों के जीवन की कहानी पर बनाया गया था। इसी के बाद 2004 में श्रद्धा ने जी टीवी पर प्रसारित होने वाले टीवी शो इंडियाज बेस्ट सिने स्टार्स की खोज में चुनाव लड़ा। उन्होंने 2011 से 2012 तक लाइफ ओके पर प्रसारित होने वाले शो मैं लक्ष्मी तेरे आंगन की से टेलीविजन पर शुरुआत की और उसके बाद लाइफ ओके के टीवी सीरियल तुम्हारी पाखी में पाखी की भूमिका निभाने के बाद वह प्रसिद्धि के लिए बढ़ी। वह टेलीविजन धारावाहिक तुम्हारी पाखी, ड्रीम गर्ल और कुंडली भाग्य में अपनी भूमिका निभाने के लिए जानी जाती है। श्रद्धा ने कई गानों के म्यूजिक वीडियो में भी काम किया है। उन्होंने पहली बार सेल के गाने सोनी हीरिये में देखा गया था। इसके बाद वह गीतों के संगीत वीडियो जीना, मेरी जान और पीके में दिखाई दी। दोस्तों, अब बात करते हैं इनके अवार्ड्स की। 2015 में धारावाहिक ड्रीम गर्ल के लिए नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए इंडियन टेली अवार्ड्स और 2018 में धारावाहिक कुंडली भाग्य के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए पुरस्कार। दोस्तों, श्रद्धा आर्य की शादी 16 नवंबर 2021 को राहुल शर्मा से हुई है और वह नेवी में काम करते हैं। वह श्रद्धा आर्य के फैमिली फ्रेंड है। दोस्तों, अगर आप भी श्रद्धा आर्य को एक बेहतरीन एक्ट्रेस मानते हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।